नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी क्लास 11 का स्टेट चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी स्टार्ट कर देता हूँ, जिसमें मैंने एक मेथड मैंने चला दिया जिसका नाम है माध्य और इंग्लिश में कहते हैं मीन। उसका पूरा कॉन्सेप्ट और हर एक टाइप का सम्स मैंने कराया है, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लो। तो आज के दिन हम आपको पढ़ाने वाले बच्चों मिश्र माध्य और भारित माध्य के बारे में, ठीक है बच्चों। मिश्र माध्य का दूसरा नाम होता है बेटा संयुक्त माध्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाइंड मीन। क्या कहते हैं? कंपाइंड मीन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल वाइज समझाऊंगा और सब चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं मिश्र माध्य मतलब संयुक्त माध्य, जिसे संकेत में कहते हैं एक्स बार सी। सी मतलब होता है कंपाइंड में संयुक्त, ठीक है बच्चों। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? तो पहले इसका डेफिनेशन एक बार समझ लो। तो यहां पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, मिश्र माध्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक समूह का माध्य ज्ञात करना हो तो संयुक्त माध्य के समूह को माध्य ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे मूल्य को हम मिश्र माध्य कहते हैं। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? मतलब जिसमें एक से ज्यादा बार माध्य दिया गया हो ना, उसी को हम कहते हैं मिश्र माध्य, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, यहां पर इसका सूत्र लिखा हुआ है, जैसे N1 N2 X bar 1 X bar 2। जरूरी थोड़ी है कि दो बार आए बच्चों, यहाँ पर तीसरी बार आएगा तो फिर प्लस करके लिखेंगे N3 X bar 3 N4 X bar 4। ये जितनी बार होगा उतनी बार हम यहाँ पर लिख देंगे। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, और नीचे N1 N2 जितनी बार N दिया ना उतनी बार यहाँ पर लिख देने का, क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले हम सीखते बड़ा मिश्र माध्य के बारे में, और अगर मिश्र माध्य अगर आपको समझ में आ जाए उसके बाद मैं आपको चलाऊंगा भारित माध्य, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मिश्र माध्य का कोई ना कोई एकाध दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि सवाल सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं स्वाध्याय 3.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो बच्चों ध्यान से सीखना। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? एक फैक्ट्री में 75 प्रशिक्षित कारीगरों को दिया जाता दैनिक वेतन माध्य 280 है। अप्रशिक्षित 125 कारीगरों को दैनिक वेतन आपको माध्य दिया है 150, तो संयुक्त कारीगरों का माध्य ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या लिखा हुआ आ गया? संयुक्त माध्य ज्ञात करना है आपको। संयुक्त माध्य मतलब मिश्र माध्य। तो बच्चों माध्य का मतलब क्या होता है? एक्स बार, इसको बोलेंगे एक्स बार वन, और इसको बोलेंगे एक्स बार टू बोलेंगे, ठीक है। और ये जो होगा बच्चों प्रतिष्ठित कारीगरों, मतलब ये हो जाएगा एन वन और ये हो जाएगा एन टू। बस सब कुछ लिखा हुआ है, अब आपको मिश्र माध्य का सूत्र लगा के आपको सवाल कंप्लीट कर देना। तो चलिए हम इसको कोले कॉपी कर लेते अच्छे से। चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, अब आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर मैंने सूत्र भी लिख दिया है, अब आपको क्या करना पड़ा? ये जो संयुक्त माध्य, मतलब मिश्र माध्य की जगह पे आप संयुक्त लिख देना, ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह पर इस सारे की वैल्यू पुट करना है। चलिए जैसे कि लिखा यहाँ पर लिखा हुआ है N1, तो N1 कितना दिया बच्चों? N1 दिया है 75, तो यहाँ लिखेंगे 75 गुणे X bar 1 कितना दिया है बच्चों? 280 गुणे, फिर प्लस N2 कितना दिया बच्चों? 125। एक्स बार टू कितना दिया है? 150, दोनों का गुणा करेंगे। और N1 कितना दिया है? 75 प्लस N2 कितना दिया है? 125। बोलो क्लियर बच्चों? अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना एकदम अच्छे तरीके से, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा बच्चों सब चीज़ें। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 21,000 प्लस 125 गुणे 150 करो बच्चों, कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 18,750। और इन दोनों को प्लस करो बच्चों, कितना आएगा? तो दोनों को प्लस करने पे आएगा 200। एक्स बार सी। आगे बच्चों, आगे क्या करना है ध्यान से,
सीखो। यहाँ पर बड़ा यज्ञ नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यज्ञ नहीं है, इस वजह से आप लोग समझ लेना, ठीक है। चलिए इन दोनों को प्लस करो बच्चों, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है बड़ा 39750। फिर बटे में क्या है, 200 है तो 200 लिखेंगे। चलिए एक्स बार सी, अब बच्चों इसमें इसको भाग दो, भाग दोगे कितना आएगा, कितना आएगा भाग देने पे, भाग दो बच्चों क्या इसी के अंदर कितना आएगा 198.75। यही क्या होगा बच्चों, इसका फाइनल आंसर होगा। आइए बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए। उसके बाद बच्चों आपको होमवर्क में, होमवर्क में बच्चों सेक्शन सी का 10वां क्वेश्चन आपको करना रहेगा, वो हो जाए बच्चों उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना रहेगा बड़ा उदाहरण नंबर 10। ये भी इसी तरीके से करना है, बस फर्क कितना होगा बच्चों, यहाँ पर N1, N2, N3 तीन बार दिया है और यहाँ पर दो ही बार दिया था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर तीन तक रखेंगे सूत्र में, बस बाकी सबको सेम ही रहेगा ना। तो आइयो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे। चलिए अब हम करते हैं सेकंड टाइप के सवाल, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये भी इसी मेथड से करना है। क्या लिखा है, एक विद्यार्थी ने 7 थियरी पेपर के प्राप्तांक का माध्य 62 है और 3 प्रैक्टिकल परीक्षा का प्राप्तांकों का माध्य कितना होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर दूसरा माध्य नहीं दिया, इसमें मिसिंग है, मतलब उसे ज्ञात करना पड़ेगा। आगे संपूर्ण परीक्षा में अंकों का माध्य कितना दिया है, 68 दिया है। अब बच्चों यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है, क्या मिसिंग है, ध्यान से सीखो बच्चों। देखो माध्य कितनी बार दिया, देखो यहाँ पर माध्य दिया तो मतलब ये हो जाएगा एक्स बार 1 और यहाँ पर दूसरा क्या दिया बच्चों, ये हो जाएगा एक्स बार 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, संपूर्ण परीक्षा का माध्य दिया है, मतलब ये आएगा एक्स बार सी, ये एक्स बार सी मतलब पूरे का वैल्यू दे दिया है, मिश्र माध्य दे दिया, कंबाइंड मीन दे दिया आपको कितना 68 दिया है। और N1 बच्चों आपको दिया यहाँ पर ये और N2 आपको दिया है ये, बस अब आपको बच्चों यहाँ पर एक्स बार 2 ज्ञात करना है। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। चलिए बच्चों तो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन कॉपी कर दिए हैं, N1 आ गया, एक्स बार 1 आ गया, N2 आ गया, एक्स बार 2 हमें ज्ञात करना है और एक्स बार सी हमको दे दिया इस बार, मतलब इस बार हमें ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे यहाँ पर मिश्र माध्य का, कंबाइंड मीन का, संयुक्त माध्य का सूत्र लगा दिया। अब बच्चों इसके अंदर हम क्या करेंगे, सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों मैंने वैल्यू पुट कर दिया, देखो कैसे वैल्यू पुट किया, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्स बार सी आपको कितना दिया 68, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 68। N1 कितना दिया है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। X बार 1 कितना दिया 62, तो यहाँ पर लिख देंगे 62। फिर प्लस है तो प्लस, N2 कितना दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। मल्टीप्लाई, एक्स बार 2 हमें नहीं दिया तो एक्स बार 2 का एक्स बार 2, N1 प्लस N2 7 प्लस 3। क्लियर बच्चों, आगे देखो हम क्या करेंगे, अब 7 प्लस 3 कितना होगा बच्चों, 10 होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 7 गुणे 62 प्लस 3x यहाँ पर 10। अब बच्चों ये 10 इधर भागाकार में है, इधर आएगा तो क्या होगा, गुणाकार में हो जाएगा, तो आप देख सकते हो बच्चों 68 गुणे 10 हो गया, 7 गुणे 62 3 गुणे x अपॉन में 10। सॉरी बच्चों यहाँ पर 10 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि ये 10 तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर प्लस, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, 3x2। क्लियर हो गया, यहाँ तक हो जाने के बाद बच्चों आगे क्या करना है ध्यान से सीखो। अब बच्चों ये चीज़ें क्या है यहाँ पर, ये चीज़ें यहाँ पर प्लस में है, बराबर की उस साइड जाएगा क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा 3x बार 2। अब हम मैंने यहाँ पर 3x बार 2 लिखा बच्चों और इसमें से इसको माइनस किया कितना है 246। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 3 गुणाकार में इधर बराबर की सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागाकार में हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों ये भागाकार में आ गया, इसमें इसको भाग देंगे बच्चों कितना आएगा, एक्स बार सी बराबर आपको कितना आएगा 62 आएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में
आ गया है। और बच्चों अगर वीडियो समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन कौन सा है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ईमानदारी से प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। आपको बच्चों सेक्शन सी का 13वां क्वेश्चन करना है। कौन सा? सेक्शन सी का 13वां क्वेश्चन करना है। उसके बाद वो हो जाए बच्चों, उसके बाद आपको उदाहरण नंबर आपको करना है बच्चों 12। उदाहरण नंबर 12 करना है। तो बच्चों उदाहरण नंबर 12 में इस तरीके से सोल्व किया गया है, इसको इस तरीके से सोल्व मत करना जैसे मैंने अभी आपको सोल्व कराया इधर पे, ठीक है। जिस तरीके से सोल्व करवाया है यहाँ पर बच्चों, इसी मेथड से आपको क्या करना है, सोल्व करना रहेगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पर बड़ा एग्जाम्पल का सवाल है, इसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 11 दिया है बच्चों, यहाँ पर अनुपात दिया है, तो बच्चों टेंशन मतलब अनुपात को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे बच्चों, 1:2 दिया है, ठीक है। तो उसकी अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या दिया है, आयु माध्य का आयु, दो बार माध्य दिया, एक्स बार, ये एक्स बार 1 हो जाएगा, ये एक्स बार 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पर बच्चों अब यहाँ पर ये 2 को मानेंगे बच्चों ए, और ये 2 को मानेंगे 2a, ठीक है। ए हमने क्या किया, माना है, क्लियर बच्चों। तो n1 की जगह पर हम लिख देंगे बच्चों a, और n2 की जगह पे लिख देंगे 2a, बस। उसके बाद तो बच्चों आपको सवाल क्लियर हो जाएगा, x बार 1 दिया, x बार 2 दिया, n1 दे दिया, n2 दे दिया, बस सूत्र में वैल्यू पुट कर देना बच्चों, आपका आंसर 100% आ जाएगा। और ये वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया बच्चों, यहाँ पर देखो 1:2 लिखा ना, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2a, मतलब a क्या करना है आपको, मान लेना है, अज्यूम कर लेना है, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन खास करके प्रैक्टिस करके जाना, इंपॉर्टेंस है, क्लियर बच्चों। तो आइए बच्चों आपको यहाँ पर मिश्र माध्य का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए बच्चों अब हम आपको कराने वाले हैं भारित माध्य, चलिए भारित माध्य सीखते हैं। चलिए बच्चों अब हम सीखेंगे भारित माध्य। तो भारित माध्य का सूत्र क्या होता है, XW, क्या होता है बच्चों, XW। इसका सूत्र क्या होगा, σWi xi / σWi। ये सूत्र की मदद से बड़ा हम भारित माध्य सॉल्व करेंगे। कैसे निकालना है भारित माध्य, एकदम डिटेल में एकदम अच्छी तरीके से समझाऊंगा बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन 3.2 का क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित सूचना के भाव के आधारित प्रतिशत का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या बोला है, भारित माध्य। तो भारित माध्य में आपको दो चीजें दिया होगा बच्चों, भार मतलब होता है W, और बड़ा भाव का प्रतिशत, इसका मतलब होता है बड़ा XI, इसका मतलब होता है WI, इसका मतलब होता है XI, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। बस अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन की कॉपी करना है। चलो मैं क्वेश्चन की कॉपी करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर मैंने कॉलम रख दिया भोजन की वस्तुएं, बच्चों मैंने यहाँ पर ABCD लिखा है, तो आप लोग बड़ा इसका नाम लिख देना, क्योंकि बड़ा वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी, इसलिए बड़ा यहाँ पर मेरे को नाम लिखना पड़ा, ABCD लिखना पड़ा। आप लोग लिख देना चावल, गेहूँ, चाय, चीनी, दलहन, मैंने ABCD लिख दिया है। और WI को बोलते हैं भार बच्चों, इसमें 7, 10, 5, 8, 2। और XI में क्या लिखा है बच्चों, 134, 135, 115, 197, 120, ये लिख दिया बच्चों। अब हमें WI XI क्या करना है, एक अलग से कॉलम रेडी करना है, जिसे हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए बच्चों 7 का मल्टीप्लाई 134 में करेंगे, कितना होगा बच्चों, 938 होगा, क्लियर। फिर 10 का मल्टीप्लाई बच्चों 125 में करेंगे, कितना होगा, 1250। फिर बच्चों 115 का गुणा बड़ा 5 में करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 115 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 575। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, उसके बाद 97 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे बच्चों, कितना होगा, 776। फिर 120 का गुणा बच्चों 2 में करेंगे तो कितना होगा, 240। बस अब हमें क्या करना है बच्चों, ये WI XI है ना, इन सभी का टोटल मारो बच्चों, इन सभी का टोटल मारोगे कितना आएगा, 3,700
79। ठीक है बच्चों, तो आगे फिर उसके बाद क्या करना बच्चों, ये जो डब्ल्यू वाई है इसे डब्ल्यू वाई का टोटल मारो, कितना होगा 32 होगा। क्लियर, बस अब हमें क्या करना है, मिश्र माध्य भारित माध्य का सूत्र लगा दो बच्चों। भारित माध्य यहाँ पर दिया सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई कितना दिया बच्चों 3789 और सिग्मा डब्ल्यू आई कितना दिया बच्चों 32। तो यहाँ लिखेंगे हम 32, यहाँ पर लिखेंगे x बार w। बस अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें इसको भाग देंगे, भाग देंगे कितना आएगा बच्चों, भाग देने पे कितना आएगा आंसर, भाग देके बताओ कैलसी के अंदर कितना आएगा 118.09। और यहाँ पर परसेंटेज, तो देखो बच्चों यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ईमानदारी से प्रैक्टिस जरूर करना है। यहाँ पर बच्चों ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। ये बच्चों अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर ये कैसे बनेंगे, तो बच्चों ऊपर जो दिया गया है, ऊपर इसको बोलते हैं भार, जैसे कि 2, 10, 3, और यहाँ पर ये दिया है इसको बोलेंगे एक्स आई। नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं टेबल बना देता हूँ, सवाल तो कर लोगे ना। चलिए मैं टेबल बना के आपको देता हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों मैंने टेबल बना दिया, अब इसके आगे आपको डब्ल्यू आई एक्स आई आपको दे दिया है, अब आगे सवाल सोल्व कर पाओगे ना, कैसे सोल्व करना है, बस अब इसको अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बात करते बच्चों। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13। अब यहाँ पर देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13 कैसे सोल्व करोगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 13 जो दिया है बच्चों, ये भी मिश्र माध्य के अकॉर्डिंग करना है, बट इस तरीके से मत सोल्व करना बच्चों। आपने जिस तरीके अभी से सीखा है सिर्फ वही मेथड आपको इस्तेमाल करना है। सर इसमें तो टेबल दिया नहीं तो कैसे करेंगे, तो बच्चों टेबल नहीं दिया है ना, तो टेबल बना लेते हैं। X1, X2, X3 दिया है, तीन चीज दिया है और 3 W दिया है, बस टेबल रेडी कर लो। कैसे रेडी करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपके सामने मैंने यहाँ पर रेडी करके दे दिया है, ये डब्ल्यू आई है, ये एक्स आई है, बस टेबल रेडी कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग बड़ा आप सवाल करना चाहो तो कर सकते हो। तो बोलो बच्चों ईमानदारी से सवालों को प्रैक्टिस करोगे ना, बस यही इतने क्वेश्चन बच्चों आपको ईमानदारी से होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बच्चों आपको कौन सा करना है, सेक्शन डी का 13वां क्वेश्चन आपको करना है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सेक्शन डी का 13वां क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। फिर उसके बाद सेक्शन सी का 13वां क्वेश्चन और सेक्शन डी का 10वां क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। तो बच्चों ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को करना, एग्जाम में सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।